अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग खैरियत से? और मेरा नाम उस्मान कुरैशी, वेलकम टू आवर शो। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त है क्योंकि इस पे जो टाइटल है वो बड़े मजे का दिया हुआ है। वो टाइटल ये है, अ पाकिस्तानी विजिट टू इंडिया, मतलब एन अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है। मतलब ये देखते हैं, पूरी डिस्क्रिप्शन यू लिखी हुई है, पार्ट वन है भाई ये। तो पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं कि भाई एक पाकिस्तानी जो इंडिया गया है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आई होप ये वीडियो तो भाई हम लोगों को लाजमी देखनी पड़ेगी और आप लोग भी देखने के लिए तैयार होंगे। और हम भी आना चाहते हैं ना। हाँ, तो पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। तो इस वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि इंडिया में मतलब आप बात करें ना तो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत मोहब्बती हैं। मुंबई की बात कर ले, हैदराबाद की बात कर ले, कलकत्ता की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, भाई बहुत मोहब्बती, बहुत दिल वाले लोग हैं भाई। और पाकिस्तान में भी अगर प्रैंक स्टार्स में देखे तो वो भी पाकिस्तानी में भाई। ये जो सबसे बड़ी बात बताऊँ, ये जो आपकी और हमारी जो सरकार है ना भाई, इस पे बिलीव ना करे, मीडिया पे बिलीव ना करे भाई, पीपल्स को देखे। और आप जैसे हैं और हम जैसे हैं ना, ये सब एक ही है। तो पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते, बाद में चला बातें वगैरह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हुदा है, वेलकम टू अनडाइल्यूटेड डायरीज। और इस दफ़ा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी का द मोस्ट अनबिलीवेबल या समझ ले इम्पॉसिबल ट्रिप जो पॉसिबल हो पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने साथ लेकर जा रही हूँ इंडिया। जी हाँ, एक पाकिस्तानी जो इंडिया जा रही है। मेरा जो ट्रिप है वो यूएई से है, क्योंकि मैं रहती तो यूएई में हूँ और यहाँ से ही मेरा ट्रिप इंडिया के लिए स्टार्ट हुआ था। तो क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो इसलिए मुझे डायरेक्टली जो मेरी डेस्टिनेशन है मैं वहाँ पे नहीं जा सकती इंडिया में। हम पाकिस्तानियों के लिए तीन पोर्ट ऑफ एंट्रीज होती हैं, एक बॉम्बे, दूसरी दिल्ली और तीसरी चेन्नई। हमने चूज़ किया था कि हम पहले अपनी पोर्ट ऑफ एंट्री जो करेंगे वो है मुंबई। हम लोगों ने मुंबई एयरपोर्ट चूज़ किया था क्योंकि उसके बारे में काफ़ी अच्छी बातें बोली गई थी, नया बना है और खूबसूरत भी बना है। सो दैट वाज समथिंग दैट वी डिड नॉट वांट टू मिस। बोर्डिंग के दौरान सारे इंडियन पासपोर्ट्स को देख के और उसमें से सिर्फ एक मेरा पाकिस्तान का पासपोर्ट देख के थोड़ा सा तो बहुत डिफरेंट लग ही रहा था। जो ख्वाब है या जो सोच थी मेरी, अब वो रियलिटी में असल में बदल रही है। हम लोगों ने चूज़ की थी एयर इंडिया क्योंकि आउट ऑफ ऑल द इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया के रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं। और ये वाला जो एयरप्लेन था ये इनकी ड्रीम लाइनर थी जिसके बारे में भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले थे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इनकी लेग स्पेस मैंने जितनी भी आज तक ट्रैवलिंग की है सबसे स्पेशियस यही वाली मुझे लगी है। जब मेरा ये ट्रिप स्टार्ट हुआ है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ खुशी तो थी लेकिन साथ में नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा थी। नर्वसनेस इसलिए कि लोग जब वहाँ पे एयरपोर्ट में होंगे या कोई भी लोगों को अगर पता चलता है कि मैं पाकिस्तानी है तो उनका मेरी तरफ क्या रिएक्शन होगा, उस वजह से मैं काफ़ी डरी हुई थी। हमारा एक पूरा दिन, पूरा मतलब कि सुबह से लेके रात तक हमारा जो ट्रिप गया है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग में गया है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कि पहले बताया कि आप जब पाकिस्तानी हो तो आपका पोर्ट ऑफ एंट्री डिफरेंट होता है। आपकी डेस्टिनेशन जो भी हो, आपने पोर्ट ऑफ एंट्री जो भी तीन स्टेट्स हैं उनमें से किसी एक में जाके एंटर करना है और फिर वहाँ से आप अपनी प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। हमने बॉम्बे ऑप्ट किया था तो दुबई से बॉम्बे तक का सफ़र 3 घंटे समझ लें। वहाँ से जाके फिर हमारी दूसरी फ्लाइट को पकड़ने के लिए हमें मज़ीद कुछ घंटे लगे और फिर वहाँ से बॉम्बे से कैलकट पहुँचने के लिए मज़ीद 1.5-2 घंटा लगा हमें। तो समझ लें कि एक पूरा दिन आपका सिर्फ ट्रैवलिंग में चला जाता है, विच इज़ समथिंग के आपको पहले से प्री प्लान करना चाहिए। तो
जब एयरप्लेन से नीचे देखा तो नजर आया बॉम्बे, बॉम्बे जो मैं मूवीज में देखती थी, फिल्म्स में देखती थी, और मैं हो गई इमोशनल। ऐसे इमोशनल कभी पहले नहीं हुई, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कभी चीज़ होगी मेरे साथ या मैं कभी इंडिया जाऊंगी। ये एक वो चीज़ थी जो हम सब पाकिस्तानियों को पता है कि काफ़ी मुश्किल चीज़ है, और वो हो रही थी। खुशी भी थी, नर्वसनेस अब थोड़ी कम हो गई थी। अब ऐसा लग रहा था कि हाँ, जब ये रवानगी स्टार्ट हो ही गई है तो अब चीज़ें भी सब सही होंगी। बॉम्बे एयरपोर्ट जितना सुना था बिल्कुल उससे ज़्यादा प्यारा था। बॉम्बे एयरपोर्ट को उन्होंने खूबसूरती टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए की है या क्या है, पर जो भी किया है उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। अपना हेरिटेज दिखा के, अपना कल्चर का हिंट डाल के। सच में यार, बॉम्बे का एयरपोर्ट तो देखने वाला है यार, मतलब कितना ब्यूटीफुल है यार। वही मैं देख रही हूँ, मेरे हाथ हिल रहे हैं। मैं जब इमिग्रेशन काउंटर की तरफ जा रही थी, हमें वहाँ पे गाइड करने के लिए एक आदमी था। उस आदमी ने कहा कि जी आप इस काउंटर में जाएं। तो मेरे हस्बैंड ने उनको कहा कि नहीं, माय वाइफ इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। उन साहब ने मुझे देखा, मुस्कुरा के बोला वेलकम। वो मैं आज तक उन साहब की वो स्माइल और वो वार्मथ वो मैं कभी भूल नहीं सकती। बाहर है, दिल तो कर रहा है जाके देखूं बाहर कार पार्क। और इसके बाद मजीद बॉम्बे से मेरे कैलिकट का सफ़र स्टार्ट होगा। वो देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय चैनल अनडाइल्यूटेड डायरीज। में जल्द अपनी वो वीडियो भी अपलोड करूँगी। तो व्यूअर्स देखते हैं कि वो नेक्स्ट वीडियो कब आती है, मतलब आ चुकी है। और अगर आप लोग उस पर रिएक्शन देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। मतलब यार इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है यार, मतलब मेरे वीडियो को देखने का, और जिस तरह ये गई है वहाँ पर, मतलब मजा आ गया। हाँ डेफिनेटली, देखिए आप बात कर सकते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश होती है इंडिया देखना, इंडिया वालों की ख्वाहिश होती है पाकिस्तान देखना। क्योंकि यार बचपन से मैच देखते हुए आ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का टाकरा, इंडिया पाकिस्तान का। ये दोनों बहुत अच्छा वेलकम करते हैं अपने अपने कंट्रीज में जाकर। यार आप देखो कि इंडिया के पीपल्स इतने मोहब्बती हैं, इतने मोहब्बती हैं, और साथ साथ पाकिस्तान के पीपल्स इतने मोहब्बती हैं। ऐसा ही है। ये तकरार जो है ना आपस में, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो इनकी गवर्नमेंट है या हमारे गवर्नमेंट है ये, एंड सेकेंडली जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं ना कि इसमें सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटीज जिनको हासिल हुई भी है वो मीडिया को है। हाँ, वो जो अपने पास से बड़ा चढ़ा कर बोले जा रही है। और क्या पाकिस्तानियों के दिल में नफरत,
क्या इंडिया वालों के दिल में नफरत डाली जा रही है। तो बात यार करते हैं स्टूडियो की, तो ये वीडियो बहुत पसंद है, तो ये पूरा ऑसम और थे यार। ब्लॉग था, मतलब मिनी ब्लॉग आप था। देखो कि मुंबई का एयरपोर्ट कितना ब्यूटीफुल था, ठीक है। मुंबई में एक्टिव आप आर्ट देखो, वहाँ का आप कल्चर देखो कि जब वो इंडियन एयरलाइन, वो कितनी जबरदस्त इंडियन एयरलाइन है यार। मतलब अच्छा अभी भी की बात करें तो आई थिंक मे बी शायद ये टाटा साहब की चल रही है इंडियन एयरलाइन, या मतलब मुझे कंफर्म नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन इंडियन एयरलाइन का नाम बहुत फेमस है, बहुत फेमस है यार। चावल, सालन, रोटी, ये सब मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है भाई। ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट में आप जस्ट पीनट्स और जूस से गुजारा कर रहे हो, भी दिखाया है। तो बस आई होप आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली, जितना प्यार जितनी मोहब्बत में जितने दिल खोल कर दी, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का, बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाजत।